how to read newspaper for or current affairs for UPSC exam. Hello everyone, myself is Kiran Karagoti. I am working here in Yojana IAS as a career psychologist. Today I just wanted to tell you that how to read newspaper for or current affairs for UPSC exam. Here you can see, firstly, you should know which newspaper you have to follow. If you are an English medium student, so you can follow The Hindu as well as Indian Express. Both are most preferable. Okay. Further, if you are a Hindi medium student, you can use either Dainik Jagran or Jansatta newspaper. जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ही काफी हाई क्वालिटी के, काफी अच्छे न्यूज़पेपर माने जाते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फर्दर, अब आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है ये आपको बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन आपको देखना होता है और दूसरा आपको कुछ मेजर इश्यूज देखने होते हैं। बट ये दोनों ही चीज किस बिहाफ पे आपको पता चलेगा कि कौन से इश्यूज मेजर है, कौन से यूपीएससी में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी के सिलेबस से गो थ्रू करना पड़ता है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को जान जाएंगे और पीवाईक्यूज आप करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, तो आपको आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। और करंट अफेयर को डायनेमिक पोर्शन को स्टैटिक से और स्टैटिक पोर्शन को डायनेमिक से कैसे आप इंटरलिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवॉइड क्या करना है। जब आपको पता चल जाता है ना कि अवॉइड क्या करना है, जैसे आप सिटीज की न्यूज पर अवॉइड करेंगे, जैसे क्राइम का हो गया, कुछ भी आ जाता है सिटीज वाले पेपर में स्पेशली कि इस गली का, मोहल्लों का, वो सब चीजें नहीं पढ़नी है। स्पोर्ट्स की भी अवॉइड करनी है जब तक एडिटोरियल्स में नहीं है। इंटरटेनमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी न्यूज रिपीटेड होती है वैसे भी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि नोट मेकिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं न्यूज़पेपर की। तो देखिए, दो तरीके होते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, इम्पॉर्टेंट जो न्यूज होती है उसका तो आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको 45 मिनट्स में एक न्यूज़पेपर कवर करना होता है। और जैसे ही आपने 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर कवर कर लिया, उसके बाद आप हमारे YouTube चैनल से जाके अपना 40 मिनट्स का हमारा न्यूज एनालिसिस होता है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीकली क्वेश्चन कर सकते हैं, वीकली करंट अफेयर्स के योजना आईएएस की वेबसाइट पे होंगे, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप पढ़ेंगे ताकि आपकी वीकली रिवीजन भी हो जाए और मंथली रिवीजन भी हो जाए। और उसके बाद आपको वही प्रोसेस को रिवीजन में लाना होता है, ठीक है। इसके बाद आप, अगर आपको इससे ज्यादा कुछ भी इसके बारे में जानना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट का नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, योजना आईएएस का जो YouTube चैनल है इसमें इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको वेबसाइट में विजिट करना है तो आप यहाँ से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीकली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर दोनों आप यहीं से रीड कर सकते हैं। और क्विजेज भी आपको होम पेज पे मिल जाएगी। अभी दिखा देती हूँ, मंथली करंट अफेयर भी यहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप होम पेजेस पे जाके क्विजेस भी कर सकते हैं, वीकली क्विजेस, ठीक है। वीकली और मंथली दोनों तरीके की आपकी रिवीजन हो जाएगी। और आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है, अगर आपने कुछ लेफ्ट भी किया है तो वो भी कवर हो जाएगा। थैंक यू।